जितनी मुंह उतनी बातें, कहना क्या है, कहना बहुत कुछ है। जितने लोगों से हम तरह तरह की बात जानने की कोशिश करेंगे और जितने लोग हमें बताएंगे, हमारे माइंड में वही चीज भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ये कहेंगे कि हस्त मैथुन करने से साइज बढ़ती है ना, है ना अमेजिंग। ऐसे बहुत सारे लोग आपसे जरूर मिले होंगे दोस्त, कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके लाइफ में जरूर ऐसा कोई बंदा मिला होगा जिसने ये बात जरूर आपसे कही होगी कि अरे यार मैस्टिवेशन करने से साइज बढ़ती है। तो आज मैं उसी चीज को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास अगर एक लड़का कोई फोन किया होता तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन इस बेस पे या इस बात पे मेरे पास तकरीबन 10-20 लोगों का कॉल्स आ चुका है, बहुत दिनों से आ रहा है। मैं अवॉइड कर रहा हूं, किसके ऊपर मैं क्या ही वीडियो बनाऊं यार। लेकिन अब मुझे लगा जब ये कैटेगरी 20 तक पहुंच गई है, 20 लोगों के माइंड में ये चीज चल रहा है, तो फिर मुझे क्लियर ही कर देना, एक्सप्लेन ही कर देना चाहिए। तो मैं आप क्लियर ये करने वाला हूं दोस्त कि क्या सच में हस्त मैथुन यानी कि मैस्टुवेशन करने की वजह से या मैस्टुबेशन करने के कारण लिंग की साइज और आपके बॉडी की साइज इंक्रीज होती है? बिल्कुल नहीं दोस्त, ये चीज आप बिल्कुल ही गलत मानिएगा, बिल्कुल ही। ग्रोथ कुछ नहीं होती है। अब मैं बताता हूं कैसे। जब आप मैस्टुबेशन खूब दबा दबा के करोगे, खूब रात दिन हिलाना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आप दुबले हो जाओगे। कहने वाली बात नहीं है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ऑटोमेटिक आप दुबले पतले हो जाओगे, और जब दुबले पतले हो जाओगे तो शरीर ऑटोमेटिक लंबी दिखनी शुरू हो जाएगी। अरे यार अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो ठीक है मेरे दोस्त, आपकी उम्र 18 साल है 17 साल है ना, इंच टेप से अपने हाइट को इंक्रीज कर लेना, यानी कि नाप लेना। उसके बाद 25-26 साल के बाद आप देख लेना लगातार मैस्टुबेशन करना, शरीर तो एकदम लकड़ी की तरह कुछ ऐसी हो जाएगी दोस्त। हाँ, हाइट एक आध इंच बढ़ जाएगा। किस लिए? मैस्टुबेशन की वजह से नहीं, क्योंकि आपने 17 साल की उम्र से शुरू किया था ना अपना, आपने 17 साल की उम्र से शुरू किया था, तो 2-4 साल में तो बढ़ेगा ही। तो वो लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि मेरी तो हाइट बढ़ गई है। अरे यार ऐसा होता तो आपका दिनेश भैया ना मैस्टुबेशन कर करके दुनिया का सबसे लंबा आदमी बन जाता, हकीकत में सबसे लंबा आदमी में बन जाता, और कहीं ना कहीं इतिहास में अपना नाम भी बैठा लेता कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी ट्रॉपिक हेल्थ डी वाला एक लड़का जिसका नाम दिनेश कुमार चौधरी है, वो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। ऐसा मैं कर देता जरूर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात अब लिंग के साइज के ऊपर आ जाते हैं, अरे यार छोटा छुहारा हो जाएगा मेरे दोस्त, लंबाई की तो बात ही छोड़ दो आप, एकदम ठकुर के ठकुरा हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाओगे, कोई दवा कोई इलाज आने वाले समय में नहीं काम कर पाएगी। देखो दोस्त, कहीं ना कहीं साइंस जो है, अंग्रेजी इंग्लिश मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो साइंस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस चीज की दवा नहीं बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेजी दवा कहां पे काम करती है, इसका इलाज कहीं ना कहीं आयुर्वेद में ही है। तो आप समझ लो, अगर आप इन सब चीजों से परेशान हो तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करो, आयुर्वेदिक इलाज ही करो। अब आप लोग ये बोलोगे दिनेश भाई इस वीडियो का बनाने का जो आपका मकसद था, क्या आपका पूरा मकसद पूरा हो गया वीडियो में? जी हाँ, पूरा हो गया। मैंने पूरा के पूरा चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है कि हैंड प्रैक्टिस यानी हिलाने से, यानी मैस्टुबेशन या हस्त मैथुन करने से ना लिंग की साइज में कोई बढ़ोतरी होगी, ना आपके शरीर की आपके हाइट में कोई बढ़ोतरी होगी। ये चीज हुआ कंप्लीट, मेरा वीडियो इसी बेस पे था। तो उम्मीद करता हूं दोस्त शानदार छोटी सी वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना ना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में लाइक घंटी से जरूर प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना जाके फॉलो करो, यूजर नेम ये। तब तक मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।